नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जलेबी में। दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एयर कंडीशन के ठंडे वाटर का आप इस्तेमाल कहां कहां कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, एसी जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं एयर कंडीशन, उसमें से पानी निकलता है टिप टिप करके और ये पानी काफ़ी ठंडा होता है। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न पूछा है कि आखिर में ये जो पानी निकलता है इसका हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो पानी निकलता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाता है। इस पानी को आप बर्तन धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं, गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अपने व्हीकल को धुलने में इस्तेमाल कर सकते हैं, घर की सफाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि इस पानी का इस्तेमाल आप पीने के लिए या फिर चेहरे को धोने के लिए बिल्कुल भी मत करें। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ये जो पानी होता है इसमें पाया गया है कि कुछ हैवी मेटल्स होते हैं और स्मॉल अमाउंट में कार्बन भी होते हैं, जो कि आपकी स्किन पे डिपॉजिट हो सकते हैं, आपकी स्किन को लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम कर सकते हैं। यानी एक दो बार अगर आप इसे अपने चेहरे को धोते हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं समस्या होगी, लेकिन अगर ज़्यादा लगातार आपने इसे रूटीन बना लिया है कि आप एयर कंडीशन के ठंडे पानी से आप अपने चेहरे को धोते हैं, अपने बालों को धोते हैं, तो ये आपके लिए समस्या कर सकता है लॉन्ग टर्म में। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूँगा कि इससे आप अपना चेहरा धोएं या फिर अपने बाल धोएं। हाँ, इसे कमरा धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, गार्डन में इसे या फिर अपनी गाड़ी को धोने के लिए आप इसे भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।